हेलो गाइस, मेरा नाम है रयान। तो यार अभी मेरे को पता चला है कि एक तगड़ी वाली आरसी टैंक आ चुकी है मार्केट में, पर सैडली वो टैंक इंडिया में बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। तो मेरे को उसको दुबई से मंगवाना पड़ेगा। एकदम सस्ती है और दिखने में भाई बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक सी टैंक है। तो मैं काम करने वाला हूँ, आज अमेजोन पे जितने भी टैंक्स मेरे को नज़र आएंगे वो टैंक्स को खरीदूंगा। साथ में जो हमारी दुबई वाली टैंक है उसको इनके साथ फाइट कराने वाला हूँ। और थोड़ी जो टैंक्स है वो मैं मार्केट से भी जाकर आज खरीदने वाला हूँ। तकरीबन एक हफ्ते का टाइम लग जाएगा ये सारी टैंक्स मेरे पास आने में। तो भी चलो, फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी टैंक्स मैं अमेजोन से और दुबई से खरीदने वाला हूँ। चलो यहाँ पे टाइप कर देते हैं आरसी टैंक बोल के, देखते हैं कितने टैंक्स की यहाँ पे लिस्ट आती है। ओहो भाई, कितने ढेर सारे यहाँ पे आरसी टैंक्स है। ये वाली जो टैंक है इंडिया में नहीं मिल रही है, तो मेरे को उसको बाहर से मंगवाना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर एक दो ऐसी टैंक है जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, तो मेरे को लगता है इनको मंगवाने में मेरे को एक हफ्ते का टाइम लगेगा। तो गाइस फाइनली देखो, काफी बड़ा डिब्बा आ चुका है मेरे पास। अब देखते हैं गाइस डिब्बे के अंदर कौन से प्रोडक्ट्स मेरे पास आए हैं। चलो डिब्बे को खोलते हैं, यहां से मैं इसको ओपन करने वाला हूं। गाइस आपने अभी तक इस वीडियो पे लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी जरूर से दबा देना। ये हमारा बॉक्स जो है ओपन हो चुका है, काफी सही तरीके से पैक होके आई है सारी चीजें। इसके अंदर थोड़ी चीजें जो है अमेजोन दुबई से आई है, बाकी की जो चीजें हैं इंडिया के अमेजोन से भी आई है। अरे भाई कितनी ढेर सारी पैकिंग है इसके अंदर, ताकि हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो सके। ओह ये देखो, इसको हटाते हैं साइड में। तो सबसे पहले सबसे खतरनाक वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये है दोस्तों हमारा वाटर बॉम्ब वाला टैंक। एक बार इसका लुक तो देखो, पूरा का पूरा फ्यूचरिस्टिक टैंक जैसा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर ऐसा क्या है कि भाई 2024 में ये सबसे मस्त वाला प्रोडक्ट होने वाला है। ये एक ऐसा आरसी टैंक है जो कि बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर सकता है भाई, बहुत ज़्यादा गजब के फीचर्स है। ओके तो बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन करने वाला हूँ। इसी बात पे वीडियो पे जरूर से लाइक कर देना यार, आप जितने लाइक्स करोगे मेरे को उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है भाई नए नए प्रोडक्ट्स को अनबॉक्स करने में। यहाँ पे इसका चार्जर है, ये इसका रिमोट कंट्रोलर है। रिमोट बिल्कुल एक वीडियो गेम के रिमोट जैसा ही बनाया गया है। दो जॉयस्टिक्स है ऊपर की तरफ, ट्रिगर है इस तरफ भी और इस तरफ भी। रिमोट की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा सॉलिड है, यहाँ पे भी बहुत सारे बटन्स है, यहाँ से हम रिमोट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब निकालते हैं हमारा मैकेनिकल टैंक बाहर। अरे भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम है यार, एक बार इसका लुक तो देखो कितना ज़्यादा ये अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इसके अंदर लेज़र लाइट सिस्टम भी दिया गया है, यहाँ से ये वाटर बुलेट्स को फायर कर सकता है। इस तरफ कुछ अलग चीज़ें दी गई है, ये पीछे की तरफ से इस तरीके का दिखाई देता है। सबसे गजब चीज़ इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इसके ट्रैक्स। जैसे कि हम लोगों ने डिफेंडर के अंदर ट्रैक्स लगाए थे ना, तो अब देखो इस तरीके के टैंक्स के अंदर भी इस तरीके के ट्रैक्स आने लगे हैं। तो आप इसको कितना भी फेंकना चाहो गाइस ये गिरेगा नहीं, अगर गिर भी जाता है तो एक बटन दबाने पे ये अपने आप को इस तरीके से सीधा भी कर सकता है। बाकी इसके अंदर वाटर बुलेट्स हम लोग यहाँ से डाल सकते हैं, इसके अंदर तकरीबन 200 से 300 वाटर बुलेट्स आ जाएंगे। तो इसके साथ ये एक एम्प्टी कंटेनर मिलता है और वाटर बॉल्स भी मिल जाते हैं और बहुत सारे एक्स्ट्रा पैकेट्स भी मिल जाते हैं वाटर बॉल्स के इसके अंदर डालने के लिए। तो एक टैंक के फीचर बताने में ही इतना ज़्यादा टाइम निकल चुका है, बाकी ये सारे के सारे आरसी टैंक्स के फीचर्स मैं आपको गिनाऊँ ना तो भाई एक घंटे का भी टाइम लग सकता है। तो एक काम करते हैं, फटाफट से इनको मैं निकाल के बता देता हूँ, फिर हमारी टैंक्स के बीच में फाइट करेंगे। फिलहाल ये है हमारा दूसरा वाला टैंक जो कि इंडिया के अमेजोन से आया है। इसके अंदर देखो ट्रैक्स नहीं लगे हैं, इसके अंदर लगे हैं इस तरीके के टायर्स। तो इसको फटाफट से ओपन करते हैं। यहाँ से मैंने बॉक्स को ओपन कर लिया है, इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है। ये हमारा ऑफ रोड बैटल टैंक, यार आप इसको एक कार की तरह भी चला सकते हो। अब देखो ये आपको एक कार की तरह दिखाई देगा। अब मैं इसके ऊपर जैसे ही ये इसका कैनन फिट करूंगा ना, तो अब ये एक टैंक बन चुका है। आप इसको कोई भी टेरेन में चला लो, हर जगह चल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये टैंक भी देख लो आप, ये है शेप चेंजिंग टैंक, ये अपना शेप कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। बाकी ये है TK100 टैंक, दिखने में बिल्कुल एक रियल टैंक जैसा ये दिखाई देता है। और ये है मेरा आर्मर्ड टैंक, इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है और इसके अंदर मैग्नम यूनिवर्सल व्हील्स लगे हैं। तो आज देखते हैं ये हमारे मैकेनिकल टैंक को कौन सा टैंक हरा पाता है। सभी को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है। सबसे पहले मैकेनिकल टैंक को मैं चलाने वाला हूं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मेन फीचर्स दिए गए हैं। अरे ये क्या हो रहा है इसके साथ, गाइस देख रहे हो
ये अपने ट्रैक्स को मूव कर सकता है। ओ भाई इसकी बैलेंसिंग देखो। ओ माय गॉड, अरे यार ये तो गिर गया यहाँ पे। एक काम करते हैं, देखते हैं क्या ये अपने आप ही सीधा हो पाएगा या फिर नहीं। ऊपर ट्रिगर्स है इसके ट्रैक्स को कंट्रोल करने के लिए। ओ तेरी भाई साहब, ये तो अपने आप सीधा हो गया यार। अभी देखो यहाँ पे इसके ट्रैक्स का मैंने पोजीशन चेंज कर दिया है। जो नॉर्मल आरसी टैंक के अंदर जो ट्रैक्स होते हैं वो इसी पोजीशन में लगे होते हैं। अब इसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसको देखने के बाद यार आपको यकीन नहीं होगा। ये देखो पीछे के ट्रैक्स को मैंने ऊपर कर दिया है और ये ट्रैक्स को भी ऊपर कर दिया है। अब इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको ये पोजीशन में रख के हम लोग कहीं पे भी चला सकते हैं गाइस, हर जगह चल जाएगी ऐसा मेरे को लग रहा है। बाकी अब देखो इसकी एक और मस्त वाली चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये ऊपर की तरफ कैनन दिया गया है, इसके अंदर बहुत सारे वाटर बॉल्स डालने पड़ते हैं। अब देखना गाइस मैजिक, टर्न करा दिया मैंने इसको। ओ माय गॉड, ये कितनी धड़ाधड़ तरीके से वाटर बॉल्स को फायर कर रहा है यार। मतलब वाटर बॉल्स इसके अंदर से दिखाई भी नहीं दे रहे। और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो। ओ भाई क्या ही तगड़ा वाला टैंक है यार, इसका तो सर घूम रहा है पूरी तरीके से लेफ्ट को और राइट को। मेरे को लग रहा है ये 360 डिग्री भी आराम से घूम जाएगा। अब ये बटन दबा के देखते हैं क्या होता है। प्रेस कर दिया मैंने। ओहो, ये अपना शेप खुद ही चेंज कर रहा है, यानी कि अब ये ऑटोमेटिक मोड में आ चुका है। हम लोगों को रिमोट को बिल्कुल भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं है गाइस। इसके अंदर जितने भी मेन फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स यहाँ पे ये करके दिखा सकता है। अब इसके अंदर जो कैनन है उसका पावर टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्लासेस को जमा दिया है। अरे यार इसकी पावर देखो कितनी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ से मैंने इसका शेप चेंज कर दिया है, ये नीचे भी फायर कर सकता है। भाई मान गए ये टैंक को। अब मैकेनिकल टैंक के साथ TK-100 टैंक को कंपैरिजन करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बटन प्रेस कर दिया मैंने, स्टार्ट हो चुका है ये। इसके अंदर यार ये इस तरीके का ट्रैक दिया गया है, मस्त तरीके से ये चल रहा है भाई। पर इसके अंदर एक दिक्कत है, ऊपर का कैनन मूव नहीं होता है, यानी कि आप इसको रोटेट नहीं करा सकते हो। पर क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिकल टैंक का जो कैनन है कम्प्लीटली मूव हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में मेरे को मैकेनिकल टैंक इससे बेहतर लग रहा है। ठीक है, अब ये दोनों टैंक में से कौन सा टैंक सबसे बेहतर है ये भी दिखा देता हूँ। ये हमारा छोटा सा टैंक बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये अपने ट्रैक्स के शेप चेंज कर सकता है। साथ में देखो गाइस अगर ये पलट भी जाता है तो दोनों तरफ से हम लोग इसको चला सकते हैं और ये बहुत ही अच्छे वाले स्टंट कर सकता है। पर इसके अंदर एक दिक्कत है, इसके अंदर देखो यार टैंक के अंदर जो मेन चीज होती है वो इसका कैनन होता है, वही चीज इसके अंदर नहीं दी गई है। तो ये यहां से बाहर हो चुका है। तो मैं ऑफ रोड बैटल आरसी टैंक के कुछ मेन फीचर्स आपको दिखाने वाला हूं। इसके अंदर भी सामने की तरफ कैनन है, यहां से ये वाटर बॉल को फायर कर सकता है। इसका एक गजब का फीचर है इसकी वॉच, तो इसको हम लोग ये वॉच से भी चला सकते हैं और रिमोट कंट्रोल से भी चला सकते हैं। वॉच से तो भाई ये काफ़ी सही तरीके से कंट्रोल हो जाती है, पर इसका ये जो कैनन है हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं, पर मैकेनिकल टैंक का कैनन मूव हो जाता है। क्लियरली यहाँ भी फीचर्स के मामले में हमारा मैकेनिकल टैंक एक नंबर मेरे को लग रहा है। अब देखते हैं ये आर्मर टैंक बेस्ट है या फिर ये मैकेनिकल टैंक बेस्ट है। आर्मर टैंक के ऊपर एक कैनन भी दिया गया है, यहाँ से वाटर बॉल्स को शूट कर सकता है। पर इसके अंदर एक दिक्कत मेरे को लगती है, वो है इसके टायर्स। बाकी आप देख सकते हो ये ऊपर का कैनन सिर्फ 20 डिग्री लेफ्ट 20 डिग्री राइट तक ही टर्न हो सकता है। इसको चलाने में भाई काफी ज्यादा मजा आता है, ये लेफ्ट राइट भी आराम से मूव हो जाता है। क्लियरली यहाँ भी फीचर्स के मामले में मेरे को मैकेनिकल टैंक ये आर्मर टैंक से भी ज्यादा बेहतर लग रहा है गाइस। तो ये आरसी मैकेनिकल टैंक ऑलमोस्ट मेरे पास जितनी भी आरसी टैंक्स है उन सबसे बेस्ट मेरे को लग रहा है। अब इसके लिए मैंने एक ट्रैक बना दिया है, जैसे कि ये रहा ट्रैक, कंप्लीटली ट्रैक जो है रेत से बना हुआ है। देखते हैं गाइस क्या ये TRX डिफेंडर जैसी चल पाएगी या फिर नहीं इसके अंदर ट्रैक लगने के बाद। अरे ये तो फिसल रही है यार, बिल्कुल भी आगे मूव नहीं कर पा रही है। तो भी इसके ट्रैक्स का पोजीशन मैंने चेंज कर दिया है। ओके काफ़ी आराम से चल रही है, देखो यहाँ तक ये काफ़ी इजीली पहुँच चुकी है। ओ भाई देखो काफ़ी आराम से इसको ग्रिप मिल रही थी, पर अचानक से इसके जो ट्रैक्स है रेत के अंदर धंसने लगे हैं। अब इसको मैं जैसे जैसे आगे चला रहा हूँ, ओ भाई ये क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। अबे यार मेरे को लगा था कि ये काफ़ी आराम से चल जाएगी ट्रैक के ऊपर, पर देखो गाइस ऑलमोस्ट ये जो ट्रैक है आधा रेत के अंदर फंस चुका है। अब इसको यहाँ पे बिल्कुल भी पावर नहीं मिल पा रही है यार। थोड़ा सा मैं इसको पीछे ले लेता हूँ और ये काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल भी हो रहा है, तो अभी मैं इसको दूसरे पोजीशन में लेके आता हूँ। ओ तो सामने के ट्रैक्स को नीचे ही रखेंगे, पीछे के ट्रैक्स को ऊपर करके अब चलाने के लिए ट्राई करते हैं।
अरे एक मिनट रुक जाओ, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है, मेरे को लग रहा है इसके अंदर बैटरी खत्म हो चुकी है, इसकी बैटरी चार्ज करने रखते हैं। तब तक TK100 टैंक को चलाते हैं, रेत के अंदर देखते हैं ये चलता है या फिर नहीं। स्टार्ट तो मैंने इसको कर दिया है। अरे भाई इसके अंदर भी एक बड़ी दिक्कत मेरे को लग रही है, इसके ट्रैक्स रेत के ऊपर फिसल रहे हैं, इसको बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिल पा रही है। ओ माई गॉड, अभी देखो मैंने इसके अंदर एक गियर भी चेंज करके देखा है, फिर भी ये आगे मूव नहीं कर पा रहा है। मतलब भाई ये टैंक तो बुरी तरीके से फेल हो चुका है रेत पे चलने के मामले में। ठीक है, अब ये शेप चेंजिंग टैंक को चलाते हैं ट्रैक के ऊपर। ओ भाई ये क्या हो गया, मैं इसको आगे चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तो पलटियां मारने लग रहा है, बाकी वापस से ये वही पोजीशन में आकर फंस चुका है रेत में। ठीक है, अब आर्मर टैंक को चला के देखते हैं, इसके अंदर तो मस्त वाले टायर्स लगे हैं। अरे ये तो दो कदम भी नहीं चल पा रहा है, यहाँ पर आकर ये भी फंस चुका है रेत के अंदर, सामने का टायर तो पूरा फंस ही गया। इसका बैटरी अब इसकी चार्ज हो चुकी है, तो इसको एक थोड़ा अलग तरीके से मैं चलाने वाला हूँ, अभी दिखाता हूँ। ये लो भाई बात बन चुकी है यहाँ पे, तो अगर मैं इसको इस तरीके से चला रहा हूँ तो भाई काफी तगड़े तरीके से ये चलने लग रही है। ओ तेरी, इधर पलटते पलटते रह गई है, तो इसको इसी तरीके से मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ। ये देखो गाइस इस तरीके से ये चल रही है, ऐसे चलाने में पीछे वाले ट्रैक जो है इसको आगे मूव करा रहे हैं, सामने वाले ट्रैक इसको ग्रिप बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो इस वजह से ये टैंक काफी सही तरीके से इतने खतरनाक वाले रेत में भी चल रही है। थोड़ा सा ही रास्ता बचा है, देखते हैं इससे आगे बढ़ पाएगी या फिर नहीं। ओ चल रही है यार, ये देखो ऑलमोस्ट इधर तक पहुंच चुकी है। ओ माय गॉड, अभी वापस ये गिरते गिरते रह चुकी है, इसने अपने आप को यहाँ पे बचा लिया है। तो भाई मान गए यार ये मैकेनिकल टैंक को, ये तो काफी बड़े बड़े रेत के पहाड़ों पे भी चढ़ रही थी। अब यहाँ पे सिर्फ ऑफ रोड बैटल टैंक बची है, इसको चला के देखते हैं। ओ भाई मजा आ रहा है यार, इसके टायर्स काफी ज्यादा बड़े साइज के हैं, इस वजह से इसको अच्छे से ग्रिप मिल रही है। मेरे को नहीं लगा था कि ये इतनी दूर भी चल पाएगी, पर क्लियरली यार ऑफ रोड बैटल टैंक और मैकेनिकल टैंक ही ऐसी है कि दोनों ही काफी आराम से ये ट्रैक के ऊपर चल रहे थे, दोनों ही ट्रैक के ऊपर चलने के मामले में विनर है। अब ये दोनों टैंक के बीच में आमने सामने वाली फाइट कराते हैं, अब देखते हैं पावर किसके अंदर सबसे ज्यादा दी गई है। ये ऑफ रोड बैटल टैंक ने तो इसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ाई कर रखी है, यहाँ पे मैकेनिकल टैंक इसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही है। ओ कभी ये टैंक इसको पीछे ढकेल रही है, कभी मैकेनिकल टैंक इसको पीछे ढकेल रही है, तो मेरे को नहीं लगता कि इन दोनों में से कोई भी हार मानने वाला है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे टाई हो चुका है। तो आज की विनर है ऑफरोड टैंक और मैकेनिकल टैंक। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको इतने ढेर सारे आरसी टैंक्स में से कौन सी टैंक सबसे ज्यादा अच्छी लगी। चलो अभी मैं दूंगा शाउट आउट। पहला नाम है विजय, सयान, रितेश, पीयूष, आदित्य, अनमोल, हमजा, दीपक, रुचिर, रेहान। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।